दिल्ली में सामने आया नीरव मोदी जैसा केस। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से डायमंड मर्चेंट द्वारकादास सेठ इंटरनेशनल ने लिए थे 390 करोड़, FIR दर्ज। एजेंसी की खबर के मुताबिक दिल्ली के डायमंड ज्वेलर घोटाले में बैंक की शिकायत के बाद भी CBI ने 6 महीने तक नहीं दर्ज की FIR। पिछले साल अगस्त में बैंक ने CBI को शिकायत की थी। बैंक घोटाले में घिरी केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री ने बिना नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का नाम लिए कहा, आर्थिक अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मेहुल चौकसी ने पत्र लिखकर अपने एम्प्लॉयज से दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, सैलरी ना दे पाने का हवाला दिया, कहा सच्चाई सबके सामने आएगी। बैंकों से करोड़ों का लोन लेकर वापस न करने वाले 9,339 उद्योगपतियों की सूची सामने आई। अब तक 1,11,738 करोड़ के लोन की रकम का पता चला, रकम और बढ़ने की आशंका। राजस्थान सरकार किसानों के आगे झुकी, सभी किसान नेताओं को छोड़ा गया। 36 घंटे बाद खुला जयपुर सीकर हाईवे, होली के बाद फिर शुरू होगा किसान आंदोलन। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी हांगकांग में गिरफ्तार, प्रत्यर्पण के लिए पंजाब पुलिस ने किया विदेश मंत्रालय से संपर्क। और जिम्नास्टिक विश्व कप में भारत ने रचा इतिहास, अरुणा रेड्डी ने वॉल्ट में जीता ब्रॉन्ज मेडल।